वाराणसी अपने मनमोहक सुंदर घाटों के लिए जानी जाती है और इन्हीं गंगा घाट के किनारे अब एक ऐसा स्थान उपलब्ध होगा जो वाराणसी आने वाले सभी पर्यटकों व श्रद्धालुओं को एक ही छत के नीचे पूरी वाराणसी का अनुभव कराएगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको पीएम मोदी द्वारा उद्घाटित हो रही वाराणसी के दशाश्वमेध भवन की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा इस परियोजना की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के साथ ही हम आपको इसके निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति भी दिखाएंगे एवं एक्सक्लूसिव ड्रोन शॉट की सहायता से संपूर्ण परिक्षेत्र का अवलोकन भी करवाएंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार ने देश की आधारभूत संरचना को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए कितना कार्य किया है तथा यदि वाराणसी के संदर्भ में बात करी जाए तो विगत 8 वर्षों में वाराणसी का कायाकल्प ही कर दिया गया है। यह हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप वर्ष 2014 से पहले कभी वाराणसी आए होंगे और पिछले 1 वर्ष में आए होंगे तो अंतर स्पष्ट हो जाता है, जिसके लिए नगर में रिंग रोड, मल्टी लेवल पार्किंग्स, हॉस्पिटल, पार्कों का जीर्णोद्धार, गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का पुरस्कार, मॉडल घाट का निर्माण, स्वच्छता का ध्यान, जन सुविधाओं व सुरक्षा की व्यवस्था आदि पर अनेक कार्य हुए हैं तथा यह निरंतर जारी भी है। बता दें कि पर्यटन की दृष्टि से पूरे उत्तर प्रदेश में द्वितीय एवं धार्मिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर काशी अर्थात वाराणसी में पर्यटक ऐसे तो पूरे वर्ष ही आते हैं एवं वाराणसी में जिस स्थान पर सबसे अधिक पर्यटक व श्रद्धालु आते हैं वह स्थान है गदौलिया, जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर एवं पौराणिक दशाश्वमेध घाट का मार्ग भी प्रशस्त होता है। काशी के इस विशेष एवं हृदय स्थल के विशेष विकास के लिए वाराणसी के जनप्रतिनिधि श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में क्षेत्रीय स्थान के उचित प्रयोग एवं विकास की दृष्टि से दशाश्वमेध घाट किनारे एक ऐसा कार्य हुआ है जो पर्यटकों के साथ काशी वासियों को भी अनेक लाभ देगा। अब यदि इस विशेष प्रोजेक्ट की अधिक जानकारी दें तो आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट के पास एक भवन का निर्माण हुआ है एवं इस निर्माण कार्य में 49% VDA एवं 51% स्मार्ट सिटी का उत्तरदायित्व है। इस परियोजना पर VDA ने अगस्त वर्ष 2020 से ही निर्माण कार्य आरंभ करवाया था तथा इसका निर्माण कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 31 दिसंबर वर्ष 2021 थी, परंतु यह कार्य अब पूर्ण हो रहा है अर्थात 7 महीने की विलम्ब से। बता दें कि इस परियोजना को पहले वाराणसी टूरिस्ट प्लाजा व दशाश्वमेध प्लाजा के नाम से जाना जाता था, परंतु अब इसे दशाश्वमेध भवन का नाम दिया गया है। इस दशाश्वमेध भवन को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के हेल्पलाइन सेंटर के साथ पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। आपको समझने में सरलता हो इसलिए हम इस परिक्षेत्र का ड्रोन व्यू दर्शाते हुए आपको सभी जानकारी देते हैं। बता दें कि इस कॉम्प्लेक्स में बनारसी खान पान के साथ ही बनारसी पहनावा समेत वाराणसी की विशेष वस्तुओं की दुकानें होंगी। दशाश्वमेध घाट पुनर्विकास परियोजना में भी स्थापित दुकानदारों को भी इस कॉम्प्लेक्स में समायोजित भी किया जाना है। इस स्थल का कुल भूखंड क्षेत्रफल 3082.04 वर्ग मीटर है। यदि इस प्रोजेक्ट की विशेषताओं की बात करें तो आपको बता दें कि दशाश्वमेध घाट पुनर्विकास योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन इस दशाश्वमेध भवन में लगभग 200 दुकानें बनी हैं। इनमें से कुछ दुकानें स्थानीय दुकानदारों को भी मिलेंगी। दशाश्वमेध भवन में काशी विश्वनाथ मंदिर का कार्यालय भी खुलेगा, यहाँ से श्रद्धालु टिकट व प्रसाद ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त फूड कियोस्क, हेल्प डेस्क एवं पर्यटक लाउंज जैसी सुविधाएं भी होंगी। अधिक जानकारी के लिए बता दें कि दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियां उतरने के ठीक पहले दशकों से बेकार पड़ी अर्धनिर्मित स्थान को योगी सरकार काम के लायक बना रही है। यहां 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स बन गया है जिससे लगभग 200 लोगों को दुकान और सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण के अनुसार इस 3 मंजिले कॉम्प्लेक्स के लोअर ग्राउंड फ्लोर पर 68 और अपर ग्राउंड फ्लोर पर 42 फूड कोर्ट के लिए आरक्षित होगा। बेसमेंट का पुनर्विकास करते हुए यहां पर 72 दुकानों का प्रावधान के साथ अन्य प्रायोजन के लिए स्थल आरक्षित किया गया है।
महत्वपूर्ण है कि अब पर्यटकों को बनारस के मशहूर खान पान के लिए नगर में भटकना नहीं पड़ेगा। पूड़ी कचौड़ी, जलेबी ठंडई, लस्सी मलइयो और बनारसी पान सभी एक ही स्थान पर मिलेगा। इसके अतिरिक्त आपको बनारसी साड़ी अथवा बनारस का हैंडीक्राफ्ट जैसे कि लकड़ी का खिलौना, गुलाबी मीनाकारी, जरदोजी जैसी कोई भी वस्तु क्रय करनी होगी तो वह सभी आपको यहाँ पर मिलेगी तथा यहाँ पर पूजन सामग्रियों की भी दुकान उपलब्ध रहेंगी। बता दें कि कॉम्प्लेक्स में सीढ़ियों के साथ साथ बुजुर्गों और दिव्यांगों की सुविधा के लिए लिफ्ट एवं एस्केलेटर एवं रैंप का भी निर्माण किया गया है। साथ ही सरफेस डेवलपमेंट के अंतर्गत भूतल पर पर्यटकों के आराम से बैठने के लिए स्टोन फ्लोरिंग एवं पाथवे भी बनाया गया है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए हरियाली पार्क भी है। जानकारी के लिए बता दें कि पूरे कॉम्प्लेक्स का निर्माण 3082.04 वर्ग मीटर में हो रहा है। लोअर ग्राउंड फ्लोर 991.14 वर्ग मीटर, अपर ग्राउंड फ्लोर 922.96 वर्ग मीटर, प्रथम तल 922.96 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में है। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 28 करोड़ रुपए है। परियोजना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वित्त पोषण के अंतर्गत कराया जा रहा है। अब यदि इस प्रोजेक्ट की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी दें तो आप देख ही सकते हैं कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। मात्र फिनिशिंग वर्क जो थोड़े बहुत बचे हैं वो ही चल रहे हैं, जिनकी विशेष प्रस्तुति आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज लुक देने के लिए चुनार के गुलाबी पत्थर लगाए गए हैं। महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में विकास के लिए संकल्पित है। इसकी छवि वाराणसी में देखने को मिल रही है। सरकार दशाश्वमेध घाट के पास दशकों से खाली पड़े इस स्थान को मल्टी स्टोरी व्यवसायिक केंद्र के रूप में विकसित कर रही है, जिसका कि पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इसके छत पर 2 किचन स्थित ओपन टेरेस रेस्टोरेंट होगा। इसके अतिरिक्त 12 व्यक्तियों की क्षमता वाला लिफ्ट और 3 एस्केलेटर भी लगाए गए हैं। दशाश्वमेध घाट की संस्कृति को उकेरते हुए म्यूरल वॉल का निर्माण भी किया गया है, अर्थात 10 अश्व को दर्शाया गया है। बता दें कि जन सुविधाओं के दृष्टिगत प्रत्येक तल पर पेयजल के लिए वाटर पॉइंट तथा महिलाओं व पुरुषों के लिए भिन्न भिन्न शौचालय भी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आम जनमानस को बैठने के लिए बेंच, स्टोन फ्लोरिंग, पाथवे, सार्वजनिक स्थलों का उच्चीकरण, पैदल चलने योग्य हरित स्थलों एवं मुक्त स्थानों का विकास आदि का भी निर्माण हुआ है तथा परियोजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए वाराणसी विकास प्राधिकरण व वाराणसी स्मार्ट सिटी का स्पेशल पर्पज व्हीकल अर्थात SPV का गठन किया गया है। महत्वपूर्ण है कि एक और इस परियोजना के मूर्त रूप लेने से काशी में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों की कड़ी में जहां एक और कड़ी जुड़ रही है तो वहीं दूसरी ओर गंगा के किनारे एक अच्छी छवि भी निखरेगी। इसके बनने से गंगा के किनारे आने वाले पर्यटकों एवं बाबा के भक्तों के साथ साथ आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश व धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई वाराणसी के दशाश्वमेध भवन की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिंड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाले वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।